वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि इंट्राडे के अंदर आप नॉर्मल तरीके से शॉर्ट सेलिंग किस प्रकार से करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना शेयर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपका शेयर ओपन हो गया। सबसे पहले आपको इसे सेल करना है। सेल का जो प्राइस है वो ज़्यादा रहना चाहिए और जब बाद में हम बाई करेंगे उसका प्राइस कम रहना चाहिए। मान लीजिए आपने जो सेल किया है 70 रुपये में सेल किया है स्टार्टिंग में, और आपने दोबारा इसे बाई करना है 69 रुपये में, तो किस प्रकार से प्रोसेस करना है पूरा प्रोसेस ध्यान से समझिए। सिंपली इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद एक क्वांटिटी रखेंगे और सेल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देंगे, क्यों उसके बाद आपका जो शेयर है वो है सेल हो जाएगा। सेल होने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, आप अपनी पोजीशन में देखेंगे। पोजीशन में देखने के बाद आप देख सकते हैं, आपको पोजीशन में भी इसमें देखने को एग्जिट आल देखने को मिल जाता है, ऑर्डर में भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑर्डर में क्या है आपका सक्सेसफुल दिखाएगा, और पोजीशन में जैसे ही आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें प्लस, यदि ये आपका जो शेयर है प्लस में होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा और माइनस में है लाल हो जाएगा। अब हम आपको करना क्या है, हम एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं। मान लीजिए आपने 70 रुपये में सेल किया था और बाई कर रहे हैं 69 रुपये में, तो 1 रुपये का आपका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेडिंग हम करते हैं इंट्राडे के अंदर उसमें क्या है, कम रेट पे ख़रीदते हैं ज़्यादा पे बेचते हैं। इसमें क्या है उल्टा हो जाता है, सेल करना है ज़्यादा में और बाई करना है कम में, तभी प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। मान लीजिए ये जो प्राइस है 83 रुपये 70 पैसे है, और सिंपली इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सेल और एग्जिट। एग्जिट पे ऑप्शन सेलेक्ट करना, सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल करेंगे तो दो और क्वान्टिटी आपकी सेल हो जाएंगी, इसलिए आपको एग्जिट पर सेलेक्ट करना है। अब हमें इसे बाई कर लेना है। सबसे पहले हमने जो बाई किया था वो क्या है 83 रुपये 75 पैसे पे या 80 रुपये पे जितना भी आपने किया था, अब उससे कम प्राइस पे आपको रखना है। लिमिट में जाकर भी रख सकते हैं, जैसे 82 रुपये भी रख सकते हैं, जितना आप मर्जी वो रख सकते हैं। और ये शेयर यदि नीचे की तरफ आएगा तो ही आपको प्रॉफिट बुक होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग में जो है ऊपर की तरफ शेयर जाता है तभी प्रॉफिट बुक होता है, लेकिन इसमें क्या है नीचे की तरफ जो शेयर जाएगा तभी आपका प्रॉफिट बुक होगा। अब हम एग्जांपल के तौर पर इसे मार्केट में ही ले लीजिए, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। बाइक और उसको सेलेक्ट करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पोजिशन के अंदर आप देख सकते हैं हमारा जो लॉस और प्रॉफिट, जो लॉस होगा वो रेड में दिखाएगा, प्रॉफिट होगा वो है ग्रीन में दिखाएगा। इस प्रकार से आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे अपने ऐप के अंदर। आप देख सकते हैं पोजीशन के अंदर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपकी पोजीशन है। दोबारा इसे बाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको शो करेगा। और टोटल जो ऑर्डर जो प्रोसेस है जो आपका कंप्लीट हो चुका है ये ऑर्डर के अंदर शो करेगा। आप देख सकते हैं एक सेल किया था, एक बाई कर दिया, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ये प्रोसेस अपना पूरा कर पाएंगे अपनी ऐप के अंदर। आपको बस यही ध्यान रखना है, सेल जो करना है वो ज़्यादा में करना है और बाई जो करना है कम में करना है। मतलब जितना मार्केट नीचे की तरफ आएगा आपको उतना ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा शॉर्ट सेलिंग के अंदर, ये शॉर्ट सेलिंग होती है। आई होप आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।